जी मेरा नाम राज बहादुर सिंह है, आर बी सिंह जी, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी, और इस फिल्म का मुहूर्त आज कर रहा हूँ। ये इस फिल्म का नाम जीरो फिगर है, जो मेरी एक सोच है, उस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो जीरो फिगर की अगर बात करें तो किस प्रकार की कहानी है और कैसे जहन में आया कि हाँ जीरो फिगर पे भी फिल्म बननी चाहिए और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, बिकॉज पहले बहुत सारा चर्चा हो चुका है जीरो फिगर। नहीं, इसके बारे में मेरे राइटर आपको बताएंगे। ठीक है सर, आप बताइए अपना परिचय दीजिए। श्याम कुमार बर्नवाल नाम है, हम भी यूपी के ही है। इस फिल्म में किस तरह से जुड़े हुए हो? एज अ प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर। क्या बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बस मूवी का स्क्रिप्ट अच्छा है, जो सुने हमने अच्छा है, देखने में जब आएगा तो पर्दे पे आएगा तो और अच्छा लगेगा, जो भी है अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा तो बेटर है हर एक चीज़। फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बताना चाहेंगे, कौन कौन से स्टार कास्ट हैं? स्टार कास्ट तो सारे के सारे जो भी है मोस्टली तो यहीं पे है, और जो नहीं आने वाले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिल्म कब तक ऑन फ्लोर आने का प्लानिंग है? शूटिंग कब से चालू करो? शूटिंग मई से चालू है, मार्च फर्स्ट। आपको नहीं पता है? नहीं 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 नहीं, हाँ मुझे मालूम है, मैं बोला तो मैं बोल। ये जो जैसे मैं इस फिल्म का जो स्टार्टिंग है वो 10 मार्च से स्टार्ट करने का मैंने प्लान किया है, और 10 मार्च से स्टार्ट करके कम से कम इसको मैं अक्टूबर में रिलीज करने की सोच रहा हूँ। लोकेशन वगैरह आपने? लोकेशन मैंने आगरा का इसका फाइनल किया है। अच्छा, आगरा, लखनऊ और गुड़गांव। हाँ, तो ये पोस्टर के बारे में थोड़ी सी बताएं कि आगरा भी दिख रहा है इधर। जैसे मान लो मैं क्या, ये पोस्टर में ये जो आपको दिख रहा है ये कोठे का सीन है। अच्छा, ठीक है, और ये आगरा ताजमहल का, तो वो जो ये फिल्म की कहानी आप राइटर के जरिए से आपको सब जब आएगा सामने तो आपको पता चलेगा कि क्या है इसकी कहानी। अभी बोलने से कुछ होता नहीं, मैं सामने दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, ये फिल्म के बारे में तो मेरे सारे है ना भाई साहब, फिल्म के बारे में तो इसका जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। मैं आपको सही बताऊँ, कल ही मेरी इनसे मुलाकात हुई। सर तो वॉइस थोड़ा बड़ा करिए कि नीचे ये यहाँ पर है। कौन सा वाला है? सब नीचे है, सारे नीचे है। तो ऐसा चलेगा? ऐसा है, मुझे लगा बहुत सेंसिटिव माइक होंगे यार आप लोगों ने। बाय गॉड। अच्छा चलिए ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं कल ही मुझे मेरी बात हुई है, कल ही मैंने ये फिल्म साइन की है जीरो फिगर, और मैं हकीकत बताऊं जब मुझे इसका टाइटल थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, और जो भी मेरी बात हुई है, जो मुझे अब मेरा करेक्टर बताया गया है या जो फिल्म के बारे में बताया गया है, तो इंटरेस्टिंग तो लगा है। उसकी शूटिंग के लोग आगरा में करने वाले हैं, और मैं ये मानता हूँ कि फिल्म का सबसे बड़ा जो स्टार होता है वो होती है स्क्रिप्ट, फिल्म की कहानी, और वही होनी चाहिए। अगर आपकी कहानी में दम है, आपकी कहानी ये लेके चल रहा है कि चलो, क्योंकि आजकल क्या है कि कहानी चलती है, स्क्रिप्ट क्या है, कॉन्टेंट क्या है, उसके बाद फिर आपके आर्टिस्ट परफॉर्मेंस जो है या उसका डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली आप कितना अच्छा उसको कर सकते हैं, उतना ही फ़ायदा फिल्म को होता है। तो मैं पूरी फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरी एक 10 या 15 मिनट की मीटिंग हुई थी, मैंने अपने करेक्टर के बारे में जाना है, और उसके बाद फिर जो भी बातें हुई थी, और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो पूरी टीम है, राज बहादुर सिंह या अपने गुड्डू बाबा जो यहाँ पर हैं, यू नो, ये लोग जो है यंग जनरेशन है, और वाकई आज की जो पीढ़ी है, आज की जो यंग जनरेशन है, यही फिल्में बना रहे हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और यही लोग आएंगे, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कब तक करेंगे, एक टाइम होता है, चाहे आर्टिस्ट जिस तरह से होता है, कलाकार आज हैं जो कल नहीं होंगे, कल होंगे जो परसों होंगे, तो इसी तरह नई जनरेशन आती है, तो वो कितना संघर्ष करके आई है वो, और कितने सिंसियर हैं वो, कितने ईमानदार हैं अपने काम को लेकर के, वो डिपेंड करता है जब वो फिल्म बनाते हैं। तो हमारा ये काम है एज एन आर्टिस्ट, आज मैं 35-40 साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और कुछ 250-300 फिल्में मैंने कर चुका हूँ, और आप लोगों ने देखा ही होगा, तो हर तरह के मैंने प्रोड्यूसर्स के साथ और डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो पता चल जाता है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह से की फिल्में बनाना चाहते हैं। तो मैं इनसे इतना ही कहूँगा, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, राइटर से और पूरी टीम से, कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ आप ये फिल्म बनाएं, और उसमें आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो, नीयत आपकी ये हो कि एक अच्छी फिल्म हमको बनाना है, और अच्छी फिल्म बनाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए,
फिल्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, जो उसका जो शूटिंग लोकेशन जो चाहिए वो होना चाहिए, जो आर्टिस्ट जो आप अवेलेबल कर सकते हैं, जो आपके बजट में आते हैं वो लें और अच्छे से अच्छा काम करें और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और पूरा फोकस जो है वो फिल्म में लगाएं। और मीडिया के लिए, मीडिया जैसे आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से भी नए लोग आके नई जनरेशन फिल्में बना रही हैं, इनको स्प्रेड करना, इनको इनका सपोर्ट करना, इनको सहयोग करना, ये क्योंकि आजकल तो है मीडिया का ज़माना है, प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, जब तक पब्लिसिटी नहीं होती तो पता ही नहीं चलता कि फिल्म बनी कैसी। तो ये फिल्म पूरी बनाएं और प्रॉपर उसकी पब्लिसिटी करें, हम आपके साथ हैं प्रमोशन के लिए और पब्लिसिटी के लिए, जितना हमसे हो सकता है जो हम कर सकते हैं, हम एज एन एक्टर मैं करूँगा और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं फिल्म को, फिल्म की पूरी टीम को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को और पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं कि ये फिल्म जल्दी बने, अच्छी बने और लोग इसे देखें, पसंद करें और ये हिट हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं भी हो गया ना जीरो। ये मेरे बाबूजी हैं। ये बच्ची है, इसने एक फिल्म में काम किया था, मेरी बेटी का रोल किया था बेटी का, समझ रहे ना। तो मैं बार बार बस यही आखिर में ये कहना चाहूँगा कि बस ऑल द बेस्ट टू होल टीम, टेक केयर एंड डू हार्ड वर्क एंड विद सिंसियरिटी एंड ऑल दैट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कि फर्स्ट मेरा नाम मूवी त्यागी है एंड मैं इस मूवी में एज एन लीड वर्क कर रही हूँ और मैं टू कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, मतलब स्टोरीज काइंड ऑफ के जुड़वा लड़कियों की है, तो वो दोनों जुड़वा लड़की मैं ही हूँ। मेहनत तो बहुत की है, अब मेहनत तो पर्दे पर दिखेगी। हाँ, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना सारे लोगों को और मैं भी जो बाबूजी ने कहा मैं भी वही कहना चाहती हूँ, शिद्दत से ईमानदारी से करें और मेहनत में काफ़ी 4 साल लगे और कामयाब हो। एक्चुअली मेरा नाम कप्तान चौधरी है और मैं इस फिल्म में लीड कर रहा हूँ एज ए एक्टर। तो अभी क्या है, स्क्रिप्ट के मतलब अच्छा है, मेरी पहली मूवी है और करने में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि, और थैंक यू कहना चाहूँगा गुड्डू भाई का, इन्होंने मेरे को कास्ट किया और प्रोड्यूसर साहब का, तो इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, इधर आरवी भाई का, तो इन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया सब लोगों ने और सर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मतलब सारे सीनियर हैं, हम तो अभी बच्चे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा काम करना है और आगे बढ़ना है, बस यही है। फिल्म अच्छी बने, मेरे तरफ से प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूरी टीम को शुभकामनाएं और क्या कहूँ, मैं जो कल ही जुड़ा हूँ, मुझे कोई खास उतनी जानकारी नहीं है स्क्रिप्ट के बारे में, मुझे जो रोल सुनाया गया है वो एक अहम रोल है। और मुझे बहुत अच्छा लगे इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। तो जनाब मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, मैं मीडिया की तरफ से नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हम सभी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हैं, बड़ी खुशी है कि एक फिल्म की नई शुरुआत थी और सीधी सी बात है जब हमको एक नई फिल्म हम साइन करते हैं तो ये समझते हैं कि चलो भाई अपना एक दुकान और खुल गई है, उससे भी थोड़ा सा हमको मिलता रहेगा। सुजान बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है ये फिल्म करते हुए आपको और क्या लग रहा है आपको, जो करेक्टर आपको बताया गया तो कितना इम्पोर्टेंट है और उसमें आप? मैं जितना सुना हूँ सर मुझे बहुत अच्छा लगा वो करेक्टर और मुझे विश्वास है कि ये लोग फिल्म अच्छी बनाएंगे, जो कि एक नई स्टोरी आई है सामने, देखें कितना तक ये लोग इसमें साकार हो पाते हैं। हालांकि इन्होंने बोला है कि बहुत ईमानदारी से बनाऊंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आपने इनकी ईमानदारी पे कैसा विश्वास किया? मैंने विश्वास किया कि जो मेरे सब लोग जुड़े हुए हैं ना, इन्होंने जो मुझे सुनाया कि ऐसे ऐसे है ये लोग कर रहे हैं काम, तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं अच्छी फिल्म बनेगी और साथ में आप है तो फिर और विश्वास बन गया। सुजान साहब ने जो बोला वो मैं भी उसी वही बात मैं भी कर चुका हूँ कि जिस तरह से मुझे यंग जब लोग टीम मिलती है, जो तीनों यंग है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है और हमको ऐसी उम्मीद होती है कि हम एक अच्छी फिल्म ये लोग बनाएंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, सुजान साहब के बारे में बोल सकता हूँ कि हम लोग तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे और अपने पूरी डेट्स वगैरह इनको दे दी है, सारा करेक्टर आपको समझ। जी, इन्होंने बोला है कि मैं मार्च की 1st वीक से शूटिंग शुरू करूँगा, तो मैंने कहा कि ठीक है,
अवेलेबल हूँ। हाँ, मैंने कहा कि जितनी जल्दी शुरू करें हम लोग के काम हो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमने यही इनसे कहा था कि आप पहले प्लीज़ अपना शेड्यूल बना लीजिए और शेड्यूल एकदम पक्का बना लीजिए और सबसे डेट लेकर के एक महीना पहले एडवांस में से बता दीजिए तो हर कोई अपनी डेट्स आपके लिए रखेगा और हम फिर उसमें ये नहीं होगा कि भैया इसकी डेट नहीं उसकी डेट नहीं, तो उसमें क्या होता है किसी एक आर्टिस्ट की डेट ना मिलने से मामला थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, कम हो जाता है। और ये भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अप्रैल तक आप खत्म कर लेंगे या मई तक खत्म कर लेंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है, बारिश में आप बाहर का काम नहीं कर पाएंगे और ख़ास करके जनरली मतलब जो है आउटडोर तो आप कर ही नहीं सकते हैं और इंडोर भी करेंगे तो आपको तकलीफ होती है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट अगेन एंड सुजान साहब। जी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भी। इन्होंने बोला कि ग्लैमर का तड़का लगा लग जाए इस बात में तो नहीं, ग्लैमर मेरी कहानी नहीं है, दरअसल मैंने खुद को देख के ये किया है। जीरो फिगर लिखी तो आपने है ना? लिखी मैंने सर, लेकिन मेरा जीरो फिगर नहीं, इनका जीरो फिगर ही कहानी है। ये कहानी इन्होंने लिखी, इनके लिए लिखी, इनके लिए। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसा कि आपको लग रहा है जीरो फिगर टाइटल पे मत जाइए, जीरो फिगर का मतलब क्या होता है वो आप समझ में आएगा इस फिल्म के माध्यम से। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको मतलब लगेगा जीरो फिगर एक्चुअली होता क्या है। आपने सिर्फ लड़की का जीरो फिगर देखा, जीरो फिगर नहीं है, इंसान भी जीरो फिगर होता है। तो जीरो फिगर क्या है कि कहीं भी ख़त्म हो जाती है जीरो। तो उस तरह की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और जो भी मैंने किरदार गढ़े हैं वो बहुत ही पावरफुल गढ़े हैं और मुझे तो आशा है कि आप लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसी फिल्म के लिए, बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए। तो फिल्म बहुत अच्छी साबित होगी और मुश्ताक साहब जुड़े हैं तो मुझे जान आने लगी और भी कैरेक्टर के लिए। तो मैं तो उतनी मुझे मालूम नहीं था मुश्ताक जुड़े हैं तो नहीं, मैं तो उतनी जान लगा हूं। नहीं, अभी जस्ट अभी मुलाकात हुई, मुझे नहीं मालूम था मुश्ताक जुड़े हैं। तो इन्हें कैरेक्टर मेरे दिमाग में था कि वो कैरेक्टर करेंगे, लेकिन फाइनली अभी मैंने देखा तो मुझे और भी खुशी हुई। नहीं, मैं इनसे ये पूछ रहा था कि मैं उतनी जान लगाऊंगा जितनी मुझे खुराक मिली। जी, मैं आपसे राइटर साहब एक बात पूछना चाहूंगा, आपकी फिल्म का जोनर क्या है? जोनर एक लड़की है कि नहीं, लड़की जोनर नहीं होता, मतलब आपका सारा जोनर यानी कि इसमें लव स्टोरी मिलेगी। फिल्म में ट्रेजेडी है, हॉरर है, रोमांटिक है, क्या है? एक रोमांटिक, एक मैसेज पर फिल्म है आपको इसमें, रोमांटिक फिल्म है। हाँ, रोमांटिक फिल्म है, फैमिली ड्रामा, जो फैमिली की जो गतिविधियाँ होती है, जो हमारे आसपास भी देखने को मिलते हैं ऐसे लोग जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं, तो उन्हीं का एक सत्यापन जिसको बोलते हैं कि वो चीज़ फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। गाने कितने हो गए इस फिल्म? गाने इसमें दो तीन लव सॉन्ग हैं, जैसा सबकी डिमांड होती है, नई जनरेशन जाएंगे तो लव सॉन्ग तो जरूर देखेगी और आइटम सॉन्ग है, जैसे कि आइटम एक ही है, दो दो रखने पड़ते हैं सर आपके लिए। आइटम सॉन्ग दो है, दो आइटम सॉन्ग है कि सोच रहे हैं कि अगर सपना चौधरी जी एग्री होती हैं तो उनको ही रखा जाएगा इसमें, तो इनके लिए भी है वाले। अरे सपना चौधरी अगर एग्री होगी कि पांचों आइटम रखो तो फिर नहीं नहीं सर, स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूँगा तो मुझे सिर्फ दो ही आइटम सॉन्ग चाहिए। मैं स्क्रिप्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि इसको बढ़ाना है इसको घटाना है, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसी पे सॉन्ग मिलेगा, जो एक्चुअल सीन है उसी पे सीन मिलेगा। फालतू सीन रखना मतलब कि आप आज ऑडिशन जो है इतनी इंटेलिजेंट है कि आपको बता देगी कि आप क्या दिखा रहे हो और क्या जताना चाह रहे हो, तो हमें ऑडिशन को ध्यान में रख के लिखना पड़ता है, शूट करना पड़ता है और आप लोगों के बीच में लाना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ मैं इसमें, जो किरदार की बात है, किरदार की अगर बात है, फिल्म आपकी भूमिका किस प्रकार की है और किस प्रकार से इस फिल्म से जुड़े हैं? भैया इसमें पुलिस ऑफिसर का रोल है मेरा, जो पॉजिटिव है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो पुलिस ऑफिसर, जो आप लोग उम्मीद रखते हैं कि पुलिस वाला ऐसा काम करना चाहिए, उस तरह का रोल है और उस तरह का मैं निभा रहा हूँ उस रोल को।